के पीछे जो साजिश है वो तो बाद की बात है, लेकिन पुलिस कर्मियों की सुरक्षा में ये दो इतने बड़े कैदी और जिन पर इतना सारा अटेंशन फोकस था, वो ले जाए जा रहे थे रात के 10 बजे मेडिकल चेकअप के लिए और फिर उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज पर शूट कर दिया जाता है। जय हिंद दोस्तों। तो पिछले दो दिन से जो अतीक अहमद की जो डेथ हुई है, जो किलिंग हुई है, उसके मामले में मीडिया में काफी चीजें चल रही है और काफी लोग इसमें पुलिस को दोषी समझ रहे हैं या फिर पुलिस ने बराबर प्रोटेक्शन दिया नहीं या फिर ऐसे कुछ जो कयास लगाए जा रहे हैं। बीच में खबर भी आई थी कि 17 पुलिस कर्मियों के ऊपर सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है, लेकिन उसके बारे में जो बीजेपी के प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। चलो, ये तो अभी भी ऑथेंटिक चीज़ है नहीं, इसके ऊपर हम कमेंट नहीं कर सकते कि क्या एक्शन हुई है और क्या होने वाली है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें हो रही है, शलभमणि त्रिपाठी ने पुलिस की कार्रवाई के लिए वहाँ पे क्या कुछ फैक्टर्स थे उसके बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से बताया हुआ है। कुछ भी कमेंट हम तो यहाँ से नहीं करेंगे, आप इस डिबेट से क्या लेके जाते हैं, क्या समझते हैं, तो चलिए देखते हैं डिबेट में क्या है। सपा के प्रवक्ता ने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया यहाँ पे और काफ़ी अच्छी हेल्दी डिबेट हुई है, तो ऐसी डिबेट देखने में मज़ा आता है। नविका जी, देखिए, अचानक हुई घटना और एक ऐसी घटना है जो दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होनी चाहिए थी पर हो गई और क्योंकि अचानक अटैक हुआ। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि पुलिस के लोगों ने बहुत दिलेरी के साथ इस पूरी घटना का काउंटर करने की कोशिश की, लगातार अतीक को बचाने का प्रयास किया, लगातार अशरफ को बचाने का प्रयास किया, शूटर गोलियां बरसा रहे थे, इसके बावजूद जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उनको धक्का दिया, उनको खींचने की कोशिश की, उनको वहां पर घेराबंदी करके पकड़ा। और जो सबसे बड़ी चुनौती थी कि मीडिया के लोग वहां पर मौजूद थे, ऐसे में पुलिस के सामने दो चुनौती थी कि अगर पुलिस काउंटर फायर करती, अगर अपनी तरफ से फायर करती तो बहुत सारे मीडिया कर्मी भी उसकी चपेट में आ सकते थे, और दूसरी बात यह थी कि हमलावर जैसे ही पकड़े गए उन्होंने सरेंडर करना शुरू कर दिया, लगातार वो सरेंडर 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 चिल्लाते रहे। तो हम मानवाधिकार आयोग को मानने वाले लोग हैं, मानवाधिकार का हम बहुत सम्मान करते हैं और मानवाधिकार के नियमों के तहत बहुत स्पष्ट है कि अगर कोई आत्मसमर्पण कर देता है, अगर ये कहता है कि हथियार डाल दिया, हम खुद को समर्पण कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मानवाधिकार आयोग कहता है कि आप उसको शूट नहीं कर सकते, उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। गिरफ्तारी के बाद बहुत सारे क्लू मिलने की भी संभावना रहती है, पूछताछ में बहुत सारी जानकारी मिलने की भी संभावना रहती है। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश पुलिस के उन जवानों की प्रशंसा करूंगा जिन्होंने अपनी जान पर खेल के इस घटना में, बहुत बड़ी घटना में, लगातार ये कोशिश की कि किसी मीडिया पर्सन को गोली ना लगे, तो फिर सस्पेंड क्यों किया? मीडिया पर्सन को चोट ना लगे, अतीक नहीं, तो फिर 17 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड क्यों किया? मुझे लगता है कि अच्छा सवाल नविका जी, मुझे लगता है कि आपको अभी अपडेटेड सूचना नहीं है, ये सूचना कहीं से आई थी जो सूचना पुष्ट नहीं है, किसी को सस्पेंड नहीं किया गया, कोई भी पुलिसकर्मी जहां तक मेरी जानकारी है सस्पेंड नहीं किया गया है। हाँ, न्यायिक जांच के आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने अवश्य दिए, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि संवेदनशील घटना की हम तह तक पहुंचे, कौन लोग थे जो सामने दिख रहे हैं वही है या उनके पीछे भी कोई, ये बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप शलभमणि त्रिपाठी, तो क्या मैं ये मानूं कि कोई भी पुलिसकर्मी सस्पेंड नहीं हुआ है? ये ऑफिशियल बयान है उत्तर प्रदेश सरकार का? जी, मेरी जानकारी भी यह है कि कोई पुलिसकर्मी सस्पेंड इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि न्यायिक जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। न्यायिक जांच बहुत बड़ी जांच होती है, न्यायिक जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी, लेकिन निश्चित तौर पे हम इस घटना की तह तक जाएंगे। नविका जी, हम अहिंसा के पुजारी, अहिंसा के पुजारी हैं, हम महात्मा गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, हमारा हिंसा में कोई विश्वास नहीं, कहीं भी रक्त बहता है हमें कष्ट होता है। और क्योंकि ये दोनों अतीक और अशरफ बहुत ही नोटोरियस क्रिमिनल थे, इनके खिलाफ 100-150 मुकदमे थे, इतने सालों से इनके खिलाफ मुकदमे चले आ रहे थे, खतरनाक किस्म के अपराधी थे, लिहाजा इनको बचाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। आपको यह भी पता है कि जब हम साबरमती से लेकर उनको लखनऊ आते थे तो पुलिस के लोग रात रात भर जग के भूखे प्यासे रह के उनकी हिफाजत करते थे, उनके बॉडी कैमरे लगे हुए थे। मणि त्रिपाठी जी के हवाले से कि वो कह रहे हैं क्योंकि न्यायिक जांच बिठा दी गई है इसलिए अभी कोई फैसला नहीं हुआ है सस्पेंड करने का किसी भी पुलिस कर्मी को। नावेद सिद्दीकी जी हाथ उठा रहे हैं। नावेद सिद्दीकी जी, क्या आप शलभमणि त्रिपाठी जी ने जो ऑन द फेस वैल्यू कहा है इससे आप सहमत हैं या आपके इसके आगे भी सवाल हैं, कोई कॉन्स्पिरेसी थियोरीज हैं? नाविका जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, शलभ जी जो बता रहे हैं, मैं थोड़ा सा शलभ जी को पीछे ले जाना चाहता हूं। शलभ जी, हिंदुस्तान में पर्दे पे अगर देखा गया होगा तो पर्दे का यानी फिल्म में सबसे बड़ा माफिया और डॉन था एक ही, वो था गब्बर सिंह। गब्बर सिंह ने अपने 3 शूटर को भेजा था एक जमाने में, और भेजा था, और जब शूटर नाकाम होकर लौटे थे उनसे पूछा एक था एक ही सवाल कि कितने आदमी थे। शूटर्स ने कहा 2 आदमी, तो 2 आदमी थे, फिर भी खाली हाथ वापस आ गए। सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा, नहीं। तो गब्बर सिंह ने उन 3 को निपटा दिया।
इस बार भी कुछ ऐसे ही हुआ। नहीं, आप गब्बर किसे कह रहे हैं नावेद सिद्दीकी जी? मैं अभी आ रहा हूँ उस पर, पूरे खत्म कर लेने दीजिए फिर मैं आ रहा हूँ। अभी तीन शूटर आए, तो तीन शूटर जब आए तो उनसे जब वो आए और आदमी कितने थे इत्तेफाक से, आदमी अगर आप देखें तो यहां भी दो आदमी थे। तो अब जांच का विषय, जैसा कि बहुत से चैनल्स पर अभी मैं बैठा हुआ कि इसके पीछे कौन, इसके पीछे कौन, तो ये जांच का बहुत बड़ा विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए। मैं शलभ भाई से कहूंगा कि इसकी अच्छे से जांच कराइए कि इसके पीछे कौन है। आज देश देखना चाहता है, सुनना चाहता है, ये पूरे देश का मामला है, प्रदेश का मामला नहीं। तो देख जानना चाहता है कि ये कौन बहुत बड़ा शख्स था जो ये चाह रहा। दूसरी चीज, 10 सेकंड आपको मिलेगा, दूसरी चीज ये है कि शलभ भाई, अभी आपने कहा कि उन लोगों को सस्पेंड नहीं किया, सुबह से लगातार न्यूज में चल रहा है बहुत से चैनल्स में कि 17 पुलिसकर्मी जो है वो सस्पेंड हुए। आप पार्टी का पक्ष शाम को 6 बजे आके बता रहे हैं सारे चैनल्स को कि गुमराह किया गया कहीं ना कहीं, तो ये किसने गुमराह किया? मीडिया को, देश का जो फोर्थ पिलर है उसको गुमराह किसने किया कि वो सारे चैनल्स पे 17 को दिखा रहा है कि एक्शन हो गया, एक्शन हो गया। यानी कि आप ये दिखाना चाह रहे थे कि हमने एक्शन लिया, और अभी आप इस पे क्लियर कर रहे हैं, आपने योगी जी को रॉन्ग कर रहे हैं। आप इस वक्त आदरणीय योगी जी की सरकार को जो एक्शन मीडिया दिखा रही थी कि ये बताया गया है, ये पता लगा है, इसको आपने गलत ठहरा दिया। शलभ भाई, हम लोगों की सबकी ये गुजारिश है कि देखिए, ये बहुत ही घटना जो हुई है इसकी कोई बहुत प्रशंसा करने वाली बात नहीं है। अतीक अहमद माफिया थे, ये सब जानते हैं, और जो जैसा होता है उसको देखिए, उसको सजा मिलती है, सब भरोसा है। चलिए, कम से कम नावेद सिद्दीकी जी, आपने ये तो माना कम से कम कि अतीक अहमद डॉन था, माफिया था,